हिमाचल में जादू टोना वाली जो चीज होती है ना ब्लैक मैजिक कहीं भी ना तुम्हें खुले में सुसु नहीं करना चाहिए इसीलिए बार बार है कि मेरा राम नाम सत्य कर दो तो पीर बाबा जो होते ना वो झाड़ा मारते हैं अपनी मम्मी को देख रही कह रही मेरा राम नाम सत्य कर दो हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई न्यू हॉरर स्टोरी टाइम मुझे पता है तुम सारे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और मैं काफ़ी दिनों के बाद एक नया हॉर स्टोरी टाइम तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ और आज का जो हॉर स्टोरी टाइम है वो हिमाचल प्रदेश का है अब जिन लोगों को नहीं पता है कि हिमाचल प्रदेश कैसा दिखता है मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों हू बहू एक दूसरे की कॉपी है सेम पहाड़ सेम पहाड़ सेम इन्वायरमेंट सेम इन्वायरमेंट सेम कल्चर सेम लोग सेम भाषाएं यहाँ तक कि पहाड़ी भाषाएं भी ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ सेम है बड़े बड़े पहाड़ उत्तराखंड में बड़े बड़े पहाड़ हिमाचल में सब कुछ सब कुछ सेम है यहाँ तक कि रात को जो सन्नाटा है ना वो भी सेम होता है अब सन्नाटा से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे रात को यहाँ डर लगता है ना उत्तराखंड में जानवरों का भूत प्रेतों का वैसे सेम डर लगता है हिमाचल में भी भूत प्रेत जानवर इन सबका अब जो हिमाचल के वो रिलेट पाएंगे और जो हिमाचल गए हैं या जिन्होंने हिमाचल के बारे में सुना है वो रिलेट कर पाएंगे तो जो आज का किस्सा है वो एक्चुअली मुझे मेरे दोस्त ने बताया अब नॉर्मली कहा जाता है कि हिमाचल में जादू टोना वाली जो चीज होती है ना ब्लैक मैजिक ये बहुत ज्यादा होता है मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठा है नहीं पता बट मेरे दोस्त ने भी मुझे कहा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा होता है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एरिया है, वहाँ पर गांव वगैरह जो काफ़ी दूर दूर वाली साइड है वहाँ इस चीज़ का यूज़ करा जाता है अब तुमने नोट करा होगा काफ़ी ज़्यादा जब फेस्टिवल्स आते हैं ना जब काफ़ी ज़्यादा त्यौहार वगैरह आते हैं तो लोग बाहर दिए काफी लोग क्या करते हैं अपने घरों से बलाएं निकलवाते हैं अजीब अजीब काम करते हैं नजर उतरवाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं मतलब बहुत कुछ करके दुए जुए से जलाकर बीच और में रख देते हैं जंगल में रख देते हैं पानी के किनारे रख देते हैं ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है तो ये किस्सा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास का है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास एक सिटी है ये किस्सा वहां का है और ये किस्सा दिवाली के आसपास का है ठीक है तो उस टाइम काफ़ी लोगों ने दिए वगैरह से जलाए होते हैं बाहर किसी ने अपनी बलाएं निकलवाई होती हैं बहुत कुछ लोग करते हैं और ना किसी ने दिए वगैरह जला के बाहर रखे थे और मेरे फ्रेंड के जो आस पड़ोस के बच्चे थे वो खेलने गए हुए थे अब उसमें कुछ लड़कियां भी थी कुछ लड़के भी थे अब जब वो गए तो उनमें से एक लड़की को कैसे भी लग गया वो जो साया था वो उसको लग गया अब जब वो घर आए तो यहाँ से असली कहानी शुरू हुई अब वो लड़की ना अपने घर वालों के साथ ना जोक वगैरह कर रही है अब जोक भी कैसे कर रही है कि मेरा कर रहा, कैसी गंदी राम नाम सत्य कर दो। अब अकेले भी रह रही है, जब छत पे कोई नहीं हो रहा तब तो छत में जा रही है घूम रही है इधर उधर जब नीचे आ रही है जब पापा को दिख रही कह रही है मेरा राम नाम सत्य कर दो अपनी मम्मी को दिख रही है मेरा राम नाम सत्य कर दो कोई बाहर से मिल रहा है तो आवाज मार के मेरा राम नाम सत्य कर दो घर वाले भाई थोड़ा सा ऐसा हो गया कि इतना पागल बनती एक बार मार दिया लड़की को थप्पड़ की क्या ये बदतमीजी कर रही है फिर भी कर रही है और उसके बाद क्या हुआ अब एक दो दिन बाद क्या हुआ लड़की को ना बुखार भी आने लग गया अब घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया और बताया ऐसी बदतमीजी भी कर रही है अजीब सी मतलब टेंस सी रह रही है घुमसुम सी रह रही है और कह रही मेरा राम नाम सत्य कर दो बुखार भी चढ़ रहा है कभी रोने लग जा रही है अचानक ही तो डॉक्टर ने जब चेक करा ना डॉक्टर के सामने भी एक दो बार इंसिडेंट हुआ कि वो ऐसे बोल रही है कि मेरा राम नाम सत्य कर दो तो डॉक्टर ने कहा कि इसको बुखार चढ़ गया है जो बुखार जैसे आता है ना नॉर्मल बंदों को वो बुखार इसके सर पर चढ़ गया जिसकी वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है और ऐसा सब बोल रही है तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी और वो दवाइयाँ इसने लड़की ने खानी शुरू करी हफ्ता दो हफ्ता बीस दिन दवाइयाँ खाई पर एक भी इतू सा भी लड़की की हालत में चेंज नहीं था वही हरकतें बुखार आ रहा है कमजोर हो रही है काला काला पड़ने लग गया आंखों के नीचे अजीब अजीब सी हरकत है अभी भी वही चीजें रिपीट करी जा रही है अब घर वाले डर गए घर वालों ने क्या करा पीर बाबा होते ना पीर बाबा के पास गए उनको बताया हमारी बच्ची को ना बुखार चढ़ रखा है रो रही है ऐसी घटिया घटिया बातें कर रही है गंदी गंदी बातें कर रही है राम नाम सत्या कर दो और डॉक्टर को दिखाया हमने तो उन्होंने बताया कि इसको बुखार चढ़ा हुआ है काफी ज्यादा और वो उसके सर पर चढ़ गया है जिसकी वजह से ये सब कर रही है तो पीर बाबा जो होते ना वो झाड़ा मारते हैं तो उन्होंने इसको झाड़ा वगैरह मारा और जब झाड़ा वगैरह सब मारा ना तो उससे पहले ना जब घर पे बातें

एक डेथ हुई किसी के घर पर दूसरी हुई, उसके बाद ना उन्होंने ना किसी जो करते ना काला जादू वगैरह ये सब तो उनके पास जाकर कुछ ना करवाया और बोला कि जो ये सब हमारे घर पे ना भला वगैरह आई हुई ना, इसको टाल दो है ना तो वो सब करने के बाद उन्होंने ना कुछ बनाया और दिया वगैरह जलाकर कुछ बनाकर कहीं रखा और आपकी बच्ची वहां से क्रॉस करके गई है और वो साया इस पर लगाया इसीलिए बार बार ये कह रही है कि मेरा राम नाम सत्य कर दो मुझे मरना है क्योंकि उस घर पर एक और पर्सन की डेथ होनी थी तो वो साया इसको लग गया अब ये कह रही है कॉन्टीन्यूसली कि मेरा राम नाम सत्य कर दो तभी कभी चाकू पकड़ कर बोल रही है कि मेरा राम नाम सत्य कर दो कभी घर वालों को छत पर जाकर बोल रही है मैं कूद जाऊंगी कभी मतलब ऐसी हर बात पर यही बोल रही है तो अब जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने पीर बाबू को कहा कि भाई कैसे सॉल्व होगा ये सब क्या होगा तो उन्होंने झाड़ा वगैरह मारा जो उनका होता है ना मंत्र वगैरह पढ़ते हैं वो ठीक करते हैं उन्होंने वो सब करा दो चार घंटे लगाए और उसके बाद ना लड़की को बिल्कुल ठीक कर दिया पर मेरा फ्रेंड बता रहा था उस दिन के बाद दो चार पांच महीने लगे लड़की को रिकवर करने में, अब में क्या होता है जिनके ऊपर लगता है ना तो उनको याद ही नहीं होता बाद में जब ठीक हो जाते ना उनको याद नहीं होता क्या हुआ था वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे थे किसके इंफ्लुएंस में आके यहाँ इस केस में शायद इसको सब कुछ याद था ये क्या-क्या क्या-क्या बोल रही थी क्या -क्या कर रही थी क्योंकि टाइप जब ऐसे आते न, जब लोग ये कर रहे होते हैं तो हमारे वहां तो बच्चों को बाहर ही नहीं जाने देते कि ये एक्टिविटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो लोग नहीं मानते हैं ना ये सब होती है तो कभी भी तुम ऐसी चीज देखो ना कहीं पर रखी हुई है या क्यों बोलते हैं कि कहीं पर कुछ सामान रखा है मत छुओ वो पता नहीं किसने किसी इंटेंशन के साथ रखा है तुम छुओ और वो चीज तुम्हारे को लग जाए इसीलिए मना करते हैं कभी भी कहीं पे भी रखा हुआ सामान मत छुओ कहते हैं ना कि जैसे लड़के कहीं पर भी सुसु करना शुरू कर देते हैं तो कहते हैं कि पेड़ों के नीचे या जंगल में कहीं पर भी ना मतलब पेड़ों के नीचे भी नहीं कहीं भी ना तुम्हें खुले में सुसु नहीं करना चाहिए क्योंकि कहां पर किसी ने क्या करा वो तुम्हें ही लग जाए तो ऐसा बोलते हैं बहुत लोग तभी कहते हैं कि वॉशरूम जाओ तो खुले में कभी मत जाओ जो ये ट्रू रियल इंसिडेंट मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है वहां पर एक सिटी आसपास उस सिटी का है और ये रियल इंसिडेंट है काफी लोग होते हैं ना जो मानते नहीं काफी लोग क्या कहते हैं कि ना अगर कोई ये चीजें एक्टिविटीज कर रहा है ना तो वो बीमार है बीमार होने के कारण कर रहा है यार बीमार

पर बहुत ज्यादा केसेस में ये दूसरों की वजह से होता है ये साय आत्मा नेगेटिव स्पिरिट्स इन सब की वजह से होता है तो जो लोग इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं ना तो नहीं विश्वास करना एक चीज होती है पर उन चीजों को ठुकरा देना एकदम कि हाँ ये मैं नहीं मानता वहां पर जाकर ऐसा कर दिया ये चीज गलत है ये चीज कभी मत करना तो बस आज का स्टोरी टाइम यही था आई होप तुम सबको स्टोरी टाइम में मजा आया होगा मजा आया तो यार कॉमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉर स्टोरी टाइम में काफी टाइम से हॉर स्टोरी टाइम करा नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा आज सुना देता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर